वेलकम टू माई पॉइंट लर्निंग आज हम स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के पार्ट टू को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास ट्वेल्थ का सेकेंड चैप्टर है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था माइक्रो न्यूट्रिय के कंपाउंड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट थे और आज मैं आपके साथ माइक्रो न्यूट्रिय कम्पाउंड डिस्कस करूंगी जो कि होते हैं टू टाइप्स के विटामिन एंड मिनरल्स अब सबसे पहले हम विटामिन के सारे टाइप्स फर्दर डिस्कस करेंगे और उसके बाद मिनरल्स सो so, लेट्स स्टार्ट विटामिन क्या होते हैं या किस तरह के कंपाउंड होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड वर्किंग। हमारे शरीर की नॉर्मल ग्रोथ और वर्किंग के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है जिस न्यूट्रिय की जरूरत पड़ती है वो होता है विटामिन ये, ये कंपाउंड अपने अंदर क्या कंटेन किए रहता है कार्बन अब आते हैं विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं तो बेसिकली विटामिन दो टाइप के होते हैं आपके फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल इनके अंदर भी फर्दर टाइप्स होते हैं जिनको हम एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे बाकी इससे रिलेटेड एलेबोरेट स्टडी आप अपनी बुक से कर सकते हैं तो मैं आपको इसको जो मैंने शॉर्ट करके नोट्स बनाए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि जल्दी स्ट्राइक हो जाए आपको कि ये एक्चुअली विटामिन होते किस लिए हैं क्या काम करते हैं सो लेट्स स्टार्ट फैट सोल्यूबल इसके अंदर आता है आपका सबसे पहले विटामिन ए विटामिन ए होता है आपका फॉर ग्रोथ आपके शरीर की ग्रोथ के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है डेफिशियन्सी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस यानी अगर इसकी कमी हो जाए डेफिशियंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है आपको एग्जाम्पल इसका होता है मिल्क कर्ड घी यानी किस में ये पाया जाता है विटामिन ए तो मिल्क कर्ड और घी में पाया जाता है नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी विटामिन डी आपका किस लिए जरूरी है फॉर टीथ एंड बोन्स फॉर्मेशन आपके शरीर में बनने के लिए और दांत मजबूत और अच्छे बनने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है इनकी कमी हो जाए डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको हो सकते हैं रिकेट्स एंड सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स ये किस चीज में पाया जाता है विटामिन डी तो विटामिन डी आपका पाया जाता है फिश एग योग और वेजिटेबल्स में हैं विटामिन विटामिन ई ई में आपका होता है फॉर फर्टिलिटी फंक्शनिंग ऑफ एडर्नल एंड सेक्स आपकी फर्टिलिटी में प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन होता है शरीर में तो उसमें वहां आपके विटामिन ई की जरूरत पड़ती है और फंक्शनिंग ऑफ एडर्नल एंड सेक्स सेक्सक्लैंड के लिए भी विटामिन ए, ए जरूरी है इसकी डेफिशियंसी अगर हो जाए या इसकी कमी हो जाए तो आपकी वीकनेस ऑफ मसल्स एंड हार्ट आपका हार्ट कमजोर हो सकता है और आपकी मसल्स वीक्स हो सकती हैं देन आते हैं एग्जाम्पल यानी ये किस में पाया जाता है विटामिन ई e, तो वेजिटेबल में स्प्राउट्स और मिल्क में देन आते हैं नेक्स्ट विटामिन के विटामिन के होता है हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आपका ब्लड क्लॉट कर सके यानी क्लॉटिंग हो सके ब्लड में आपका ब्लड गाढ़ा हो सके उसके लिए विटामिन के जरूरी है इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो ऑब्वियसली अगर ब्लड की कहीं डेफिशिएंसी हो रही तो सबसे पहली चीज क्या होती है एनीमिया एनीमिया हो जाता है एग्जाम्पल इसका सबसे सॉलिड होता है स्पेनिश यानी स्पेनिश एग मीट ये आपके एग्जाम्पल हो गए विटामिन के यानी किसमें सबसे ज्यादा विटामिन के पाया जाता है तो इन तीन चीजों में पाया जाता है अगर आप ध्यान दें तो मैंने नोट्स नोट्स इस तरह बनाए हैं कि हर विटामिन के किस लिए जरूरी है वो यानी फॉर डेफिशिएंसी डी एफ डेफ यानी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है और एग्जांपल उस यानी किस चीज में पाया जाता है ये आप हर विटामिन में देखेंगे मेरे नोट्स में और यही आपको भी करना है जब आप कॉपी में नोट्स बनाए या फिर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये तीन चीजें मस्ट है कि किस लिए जरूरी होता है ये विटामिन इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है और इसका एग्जाम्पल यानी ये विटामिन किस चीज में पाया जाता है ये ये तीन चीजें मस्ट हैं आपके किसी भी विटामिन या किसी भी न्यूट्रिय कंपाउंड्स के बारे में जब आप मेंशन करें एग्जाम में वहां पे आपकी ये तीन चीजें होना जरूरी है देन आते हैं हम नेक्स्ट पे जो कि विटामिन आपके दो पार्ट में डिवाइड थे फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल तो अब हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल में फर्दर टाइप्स कौन से होते हैं तो वाटर सोल्यूबल में आपके दो टाइप के विटामिन आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी अब बी के फर्दर टाइप हम पहले डिस्कस करते हैं देन हम विटामिन सी पे स्विच ओवर करेंगे विटामिन बी वन रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड विटामिन बी वन का हमारे शरीर में क्या काम होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को रिलीज करने का यानी फूड में से उस एनर्जी को बाहर निकालने का काम जो करता है वो विटामिन बी वन करता है देन आते विटामिन बी टू में ये भी ये सेम काम करता है यानी फूड में से एनर्जी रिलीज करने का काम करता है और गुड विजन एंड हेल्दी स्किन आपकी स्किन हेल्दी रहे और आपकी नजर कमजोर ना हो नजर अच्छी रहे तो उसके लिए विटामिन बी टू जरूरी होता है देन आते हैं विटामिन बी थ्री इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है नॉर्मल एंजाइम फंक्शन एंजाइम फंक्शन आपके नॉर्मल वर्क करें एंजाइम हमें खाना पचाने के लिए जरूरी होते हैं तो वो प्रॉपर एंजाइम फंक्शन करें वर्क करें उसके लिए विटामिन बी थ्री जरूरी होता है देन आते हैं विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स की फैक्टर ऑफ प्रोटीन एंड ग्लूकोज मेटाबोलिज्म फॉर्म्स हीमोग्लोबिन ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है और की फैक्टर होता है प्रोटीन और ग्लूकोज का और मेटाबॉलिज्म भी फॉर्म करने में हेल्प करता है देन आते हैं विटामिन बी ट्वेल्व बिल्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेड रेड सॉरी ब्लड सेल मेंटेन नर्वस सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है और जेनेटिक मटेरियल्स आपके शरीर में बिल्डअप करने में हेल्प करता है बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व देन आते हैं अपने लास्ट टाइप पे जो कि है विटामिन सी विटामिन सी क्या करता है नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ आपके शरीर में ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो उसके लिए विटामिन सी जरूरी है टू हील आपके जो घाव हो वो जल्दी भर जाए उसके लिए भी विटामिन सी की जरूरत रहती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो आपका जो घाव है वो कितने टाइम तक भरता है ये आपके शरीर में तब निर्धर तब निर्भर होता है जब विटामिन सी आपके शरीर में कितना है ये मात्रा सही हो फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोगों के घाव बहुत देर में भरते हैं तो यानी उनके शरीर में किस चीज की कमी है विटामिन सी की कमी है देन आते हैं मेक गैलोजिन टिश्यू फॉर टीथ गम्स एंड ब्लड वेसल एंड बोन्स बोन्स और ब्लड वेसल्स और टीथ गम्स वगैरह में जो गैलोजिन जरूरी होता है टिश्यू वो बनाने का काम ये विटामिन सी करता है तो इस तरह से हमारे माइक्रो न्यूट्रिय का फर्स्ट पार्ट जो कि विटामिन है उसके फर्दर पार्ट्स हमने डिस्कस किए अब नेक्स्ट में मिनरल्स जो उसका नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिय नेक्स्ट टाइप है मिनरल्स वो आपके साथ डिस्कस करने जा रही कर मिनरल्स आपके होते हैं टोटल नाइन टाइप्स के उसे फटाफट देखते हैं हम सबसे पहला होता है आयरन हम सब जानते हैं आयरन किस लिए जरूरी है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन जरूरी होता है इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है और ये किस चीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो मीट एग्स में पाया जाता है देन आते हैं कैल्शियम कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कैल्शियम हमारे बोन को स्ट्रांग रखने के लिए और दांतों को मजबूत रखने के लिए जरूरी होता है इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स और अस्थमा हो सकता है और इसका एग्जाम्पल होता है मिल्क और एग योग देन आते हैं फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉर एनर्जी स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए फॉस्फोरस जरूरी है इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है एग्जाम्पल इसके हैं मीट एंड एग नेक्स्ट आते हैं पोटेशियम पोटेशियम फॉर ग्रोथ एंड कीपिंग सेल्स एंड ब्लड हेल्दी आपके ब्लड को हेल्दी बनाने के लिए आपके जो शरीर में जो सेल्स काम कर रहे हैं उनको अच्छे से प्रॉपर उनकी ग्रोथ के लिए पोटेशियम जरूरी होता है इसकी कमी हो जाए तो वीक मसल्स मसल्स वीक हो जाते हैं और ये किस चीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो बीट रूट और टोमेटो में पाया जाता है नेक्स्ट आते हैं हम सोडियम सोडियम फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम हमारा हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे उसके लिए सोडियम जरूरी होता है और ये पाया किस में जाता है मिल्क मीट मिल्क एंड मीट में पाया जाता है देन आते हैं आयोडीन फॉर प्रॉपर थारॉयड फंक्शन था हमारे शरीर का थायरॉयड फंक्शन प्रॉपरली वर्क करे इसके लिए आयोडीन जरूरी होता है इसकी कमी हो जाए तो ऑब्वियसली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है और ये आयोडीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है तो सॉल्ट में एंड सी फूड में देन आते हैं फ्लोरिन फॉर मेकिंग इनेमल ऑफ टीथ एंड प्रिवेंट डेंटल डेंटल कैविटीज सॉरी इट शुड बी कैविटीज डेंटल कैविटीज के लिए जरूरी होता है मतलब तो तो कि आपके इनेमल फॉर इनेमल ऑफ टीथ यानी आपके दांतों को स्ट्रांग बनाने के लिए और दांतों की वाइटनेस रखने के लिए जो कंपाउंड uh, जरूरी होता है वो फ्लोरिन होता है और आपको डेंटल कैविटी से भी बचाता है फ्लोरिन नेक्स्ट आते हैं कॉपर कॉपर फॉर हेल्पफुल इन आरबीसीज नर्व फाइबर फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग आरबीसीज बनाने में उनके प्रॉपर फंक्शन में नर्व फाइबर बनाने में और उनके प्रॉपर फंक्शन में कॉपर आपका हेल्पफुल होता है देन आते हैं जिंक फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन हमारे शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जिंक जरूरी होता है हमारे खाने के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है और मेटाबॉलिज्म के प्रॉपर वर्क करने के लिए जिंक जरूरी होता है तो इस तरह से हमने मिनरल्स डिस्कस किए सारे और माइक्रो कम्पा मा, आज हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किया लास्ट टाइम हमने मैक्रो किया था अब आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी पिटफॉल ऑफ डाइटिंग वगैरह डाइटिंग से रिलेटेड चीजें तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स का पूरा एक जो पूरा एक कंटेंट था वो ओवर हुआ आई होप आपको ये समझ आया होगा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करें एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल थैंक यू